हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्क्स टू यानी टू मार्क्स का, जो कि हिंदी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताऊंगी। और 12 बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताऊंगी, जो कि आपके 2021 के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन से 12 इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट है वो है जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो, तो इसका जो हो जाएगा वो है ऐच्छिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें तो जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक। सेकंड हमारा है जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके, अगे अगे, जो जाना ना जा सके। अगला थ्री नंबर देखते हैं हम लोग। थ्री नंबर जो हमारा वो है अपने को धोखा देने वाला। किसको? अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। अपने को धोखा देने वाले को क्या कहते हैं? आत्मवंचक कहते हैं। अब हमारा फोर नंबर है फ्रेंड्स, फोर नंबर हमारा धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? क्षितिज। क्षितिज, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज कहलाता है। फाइव नंबर अब देखते हैं दोस्तों, फाइव नंबर हमारा क्या है तो देखिए, सदा सत्य बोलने वाला। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। तो सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। सिक्स नंबर है हमारा तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है और इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं छांट के लिए, छांट के आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप ये लर्न कर लें और टू मार्क्स आसानी से गेन कर लें। ठीक है, तो चलिए सेवन नंबर देख लेते हैं फटाफट से कि सेवन नंबर कौन सा हमारा। सेवन नंबर है जानने की इच्छा करने वाला। जानने की इच्छा करने वाले क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ये तो एकदम मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था कि जानने की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, चार ऑप्शन दिए रहते हैं। अब चार ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, तो जानने की इच्छा करने वाला तो आप जिज्ञासु पर टिक करेंगे। ठीक है, जानने की इच्छा करने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। अगला एट नंबर है, एट नंबर हम देख लेते हैं पीछे चलने वाला। पीछे चलने वालों क्या कहते हैं? पीछे चलने वालों कहते हैं अनुगामी। तो फोर ऑप्शन होगा, फोर ऑप्शन में आपको अनुगामी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अनुगामी, पीछे चलने वाला अनुगामी। अब आगे नाइन नंबर देखते हैं। नाइन नंबर फ्रेंड हमारा जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। ये भी पूछा था 2021 के 2021 में पूछेगा और 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था। जो ईश्वर में विश्वास करता है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं नास्तिक। अब हम अपना 11 नंबर देखते हैं कि 11 नंबर है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि जो होते हैं, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आप टिक मारेंगे ये अतिथि पर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब आगे 12 नंबर देखिए, जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो उसे कहेंगे निराधार। आधार नहीं है तो उसे कहेंगे निराधार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 12 वेरी इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टीम क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और आप अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स है उस चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।